वेलकम टू माय चैनल अलका स्पेशल किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेके आई हूँ मार्केट जैसा खट्टा मीठा मिर्च नींबू का अचार, जो सबको पसंद आता है नींबू मिर्च का अचार, जिसे हम पराठे रोटी के साथ अच्छी तरह से खा सकते हैं। और बहुत ही कम समय में हम बनाएंगे नींबू मिर्च का अचार। आइए बना लेते हैं फ्रेंड्स नींबू मिर्च का अचार। अचार डालने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो हरी मिर्च ली है और इसको मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया है धूप में। और अब इसको हम चार भागों में काट लेते हैं। इस तरह हम इसको बीचों बीच काट के इस तरह हम कट कर लेंगे इसको। ये देखिए, सारी मिर्चों को इसी तरह हम काट लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सारी मिर्चों को काट लिया है। अब इसके अंदर हम मसाला मिला देते हैं। मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून राई ली है और उसे मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया है। और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ ली है, उसको भी मैंने हल्का सा दरदरा कूटा है। और यहाँ मैंने मेथी ली है 1 टेबलस्पून, उसको भी थोड़ा सा हमने कूट लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 2 नींबू ली है जो मिर्ची में डालने के लिए। नींबू से मिर्ची का टेस्ट और भी लाजवाब बनता है। मिर्चों के ऊपर हम सारा मसाला डाल देते हैं। मसाला डाल दिया है, अब इसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक और इसको हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा मसाला मिला दिया है। आप चाहो तो इसमें मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन फिर ये ज़्यादा तीखी हो जाएगी। तीखा खाने वाले इसमें लाल मिर्ची डाल सकते हो। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं लेमन और इसको भी हम मिला देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नींबू भी मिला दिया है और आप देख सकते हो कितना अच्छा मसाला मिला है। ये देखिए, फिर इसको हम डिब्बे में या फिर मिट्टी के भांड में डाल देते हैं। और हम तेल 3 दिन बाद में डालेंगे, जिससे इसका स्वाद है वो और भी लाजवाब टेस्टी आ जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बनाया गया मिर्च का अचार आपको कैसा लगा, तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।